हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पॉलीसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड जिसे मैं बोलूँ, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना आता है पॉलीसैकेराइड्स, और पॉलीसैकेराइड्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन सुगर्स, ठीक है। क्योंकि जब हमने क्लासिफिकेशन किया है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो दो टाइप में हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया है। फर्स्ट वन इज सुगर्स एंड सेकंड वन इज नॉन सुगर्स और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन सुगर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो स्वीट नहीं होता। ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया था ये किसके बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। और टेस्ट है वो सुगर्स का कैसा होता है, मीठा होता है, स्वीट टेस्ट होता है। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं अपने, या फिर नॉन सुगर जिसे हम बोल रहे हैं, तो वो टेस्ट में टेस्टलेस होते हैं, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड्स के, एक बार के लिए वो बता दूं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा कि टेस्टलेस होते हैं फिर नहीं होते। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो पॉलीसैकेराइड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपको क्या मिलेगा, कोई भी जो अपने पेड़ होते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो स्टेम होता है, प्लांट्स का जो तना होता है, और तने की जो छाल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। जो तने की छाल होती है, जो सबसे हार्ड पार्ट होता है, वो ही क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स होता है, ठीक है। उसमें मोस्ट ऑफ है वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तने की छाल का वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज है ये एक पॉलीसैकेराइड होता है। तो कभी यदि मन करे पॉलीसैकेराइड का टेस्ट चेक करने का, तो किसी भी पेड़ की छाल को उतारना और चबा के देख लेना मीठा लगता है फिर नहीं लगता, तो आपको पता चल जाएगा। एक फिर घर में आके चिन्नी खा के देख लेना, तो फिर आपको जो सुगर्स हैं और नॉन सुगर्स हैं दोनों में डिफरेंस है वो अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन सुगर है कौन नॉन सुगर है। और यदि चेक ही कर रहे हो तो फिर नीम का तना खा के चेक करना अच्छे से, ठीक है। नीम की छाल है उसे चेक करना अच्छे से, आपको अच्छा वाला टेस्ट है वो पता चलेगा कि कौन सा सुगर होता है और कौन सा नॉन सुगर होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी पॉलीसैकेराइड की, कि हम इन्हें नॉन सुगर क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। साथ में दीज आर नॉन क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड्स, ये जो हैं क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होते। अब देखिए, सबसे जो बेटर एग्जाम्पल था वो मैंने आपके सामने रख दिया, आप कंपेरिजन कर लो सुगर्स और नॉन सुगर्स की। सुगर्स में आपने चीनी रख लिया और नॉन सुगर्स में आपने सपोज दैट कोई भी जो तना होता है उसकी छाल को रख लिया, वो सेल वॉल है वो आपने रख ली। अब दोनों का कंपेयर करो, चिन्नी है व्हाइट कलर की होती है, तने की छाल कैसी होती है, ब्राउनिश कलर की होती है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं चिन्नी की, तो चिन्नी है वो अगेन कैसी होती है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है, लेकिन वो तो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होती ना, नॉन क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड फॉर्म में होती है। अगेन हम बात करते हैं टेस्ट की, तो सुगर चिन्नी है वो अपनी कैसी होती है, स्वीट होती है, जबकि जो अपनी तने की छाल है वो कैसी होती है, टेस्टलेस वो होती है, या फिर हम उसे बोल सकते हैं भाई टेस्ट होता है कड़वा जो है वो उसका स्वाद होता है, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात करें डेफिनेशन की, कि क्यों हम इन्हें पॉलीसैकेराइड्स बोल रहे हैं। देखिए, पहले हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड, उसके बाद हमने पढ़ा डाइसैकेराइड, यहां तक तो ठीक था। अब हम इन्हें पॉलीसैकेराइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स है वो सर्टेन नहीं होता, कोई फिक्स नंबर यहां पे प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हमने डाइसैकेराइड में देखा दो मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट है, ट्राइसैकेराइड में देखा तीन मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट है, तो उनके बेसिस पे हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। लेकिन जब अनसर्टेन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी फिक्स नहीं है, कहीं भी बहुत ज्यादा नंबर पे इनका मॉलिक्यूलर वेट है वो भी जा रहा होता है, अनसर्टेन मॉलिक्यूलर वेट होता है, अनसर्टेन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच हैविंग अनसर्टेन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट एंड अनसर्टेन मॉलिक्यूलर वेट आर नोन एज पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो जिनमें अनसर्टेन नंबर ऑफ अनसर्टेन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स होता है और अनसर्टेन मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हम उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड की क्लास में हम उन्हें रखते हैं। अब एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूं, तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पे रखा है अपना स्टार्च, और सेकंड एग्जांपल रखा है सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज हैं वो अपने पॉलीसैकेराइड के बेस्ट एग्जांपल होते हैं, ठीक है। और अब हम स्टडी करेंगे दोनों का वन बाय वन करके, एक बार हम सेल्यूलोज का स्टडी करेंगे फिर हम स्टार्च का स्टडी करेंगे। तो जो पहला कंपोनेंट मैंने रखा है, पहला जो कार्बोहाइड्रेट मैंने यहां पे रखा वो रखा स्टार्च। अब स्टार्च क्या होता है, कहां पे ये प्रेजेंट होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या स्टार्च होता है। तो देखिए, स्टार्च का जो सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं ना स्टार्च के, वो अपने फूड्स होते हैं, जस्ट लाइक पोटैटो हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है। तो हम स्टार्च है उसे खूब खाते हैं, स्टार्च का जो हम है फूड की फॉर्म में बहुत ज्यादा स्टार्च खाते हैं। आलू सारे लोग खाते हैं तो आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। चावल भी सारे लोग खाते हैं, चावल में भी स्टार्च होता है। गेहूं सारे लोग खाते हैं, गेहूं में भी स्टार्च होता है। तो ये जो है चावल, गेहूं या फिर आलू, ये सब क्या होते हैं, स्टार्च के मेजर सोर्स होते हैं। यहां से आपको सबसे ज्यादा स्टार्च है वो मिल जाता है।
अब इसके बाद देखिए स्टार्च का जनरल फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो क्या होता है, C6H10O5 का होल N होता है, ठीक है। यदि हम इतनी यूनिट को बार बार रिपीट करते जाते हैं तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कौन सा होता है, स्टार्च होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, स्टार्च को हम पॉलीमर भी बोल सकते हैं। देखिए पॉली वर्ड हमने यहाँ पे भी यूज किया हुआ है, पॉली सैकेराइड, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग है वो गलत हो गई है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स, तो हमने पॉलीवर्ड है वो यहाँ पे भी यूज किया है। तो ये क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, मोनोमर यूनिट पता चल गई कि पॉलीसैकेराइड में कौन सी मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो प्रेजेंट रहने वाली है, कौन सी, अल्फा ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो इसकी मोनोमर यूनिट है, मोनोसैकेराइड यूनिट है। जब हम इसका कराएंगे स्टार्च का हाइड्रोलिसिस तो यहाँ से मोनोसैकेराइड यूनिट है वो कौन सी ऑब्टेन होगी, अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स हैं वो ऑब्टेन होती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि स्टार्च है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है, स्टार्च हैविंग टू कंपोनेंट्स, ठीक है, स्टार्च हैविंग टू कंपोनेंट्स। अब ये दो कंपोनेंट्स हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो इसमें फर्स्ट वन होता है वो होता है अल्फा एमाइलोज, ठीक है, पहला कंपोनेंट अपना क्या होता है अल्फा एमाइलोज होता है, और दूसरा कंपोनेंट है वो अपना बीटा एमाइलोज होता है जिसे हम एमाइलोपेक्टिन भी कहते हैं। अब देखिए एक तो हो गया अल्फा एमाइलोज, दूसरा हो गया बीटा एमाइलोज, लेकिन यहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट है वो अपना होता है बीटा एमाइलोज, जो कि 82-85% पार्ट है स्टार्च का वो कवर करता है, 80-85% है वो क्या प्रेजेंट होता है स्टार्च में, बीटा एमाइलोज या फिर एमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है। और जो स्मॉलर कंपोनेंट है या फिर हम बोल सकते हैं कि माइनर कंपोनेंट है वो अपना क्या होता है अल्फा एमाइलोज होता है, जो कि 15-20% है वो प्रेजेंट होता है स्टार्च में, ठीक है। तो अल्फा एमाइलोज और बीटा एमाइलोज या फिर एमाइलोपेक्टिन दो यहाँ पे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, किसका कितना परसेंटेज होता है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम वन बाय वन दोनों कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे, दोनों कंपोनेंट्स की स्ट्रक्चर हमें देखनी है क्या होती है। तो फर्स्ट जो है वो हमने रखा यहाँ पे अल्फा एमाइलोज, अल्फा एमाइलोज है। सबसे पहली चीज तो ये कि स्टार्च का 15-20% जो पार्ट है उसे कवर करता है अपना अल्फा एमाइलोज। सेकंड पॉइंट, इट इज वाटर सॉल्युबल बट स्टार्च इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च है वो वाटर इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। यदि हम बात करें पॉलीसैकेराइड्स की तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। देखिए सीधा सा एग्जाम्पल है, यदि पॉलीसैकेराइड्स वाटर सॉल्युबल होने लग गए तो बारिश के दिनों में क्या होगा, सारे पेड़ बेचारे बह जाएंगे, समझ आ रही है चीज। यदि अपने पॉलीसैकेराइड्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होने लग गए, यानी कि जो पेड़ हैं उनके तने की छाल है वो यदि पानी में घुलने लग गई तो फिर क्या होगा, बारिश के दिनों में सारे पेड़ हैं उनका क्या हाल होना है, सारे तने की छाल वो तो बह जाएगी यदि ऐसा होता तो, ठीक है। चिन्नी को आप पानी में रखो, बारिश के मौसम में आप चिन्नी को किसी बर्तन में डाल के रख दो कि आपको चिन्नी मिलेगी, तो ऐसा यदि जो अपने पॉलीसैकेराइड्स हैं, सेल्युलोज है जो पेड़ की छाल है, वो यदि पानी में घुल जाए, सॉल्युबल हो, वाटर सॉल्युबल हो, तो फिर क्या होगा, इमेजिनेशन करो, ठीक है, कुछ और ही यहाँ पे यूनिवर्स में आपको देखने को मिलेगा जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो अपने पॉलीसैकेराइड्स हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अल्फा एमाइलोज है वो पॉलीसैकेराइड का एक पार्ट है, लेकिन ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज और आप देखिए, ये कितने पार्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, ओनली 15-20% पार्ट की तो फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो अपने पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनका कुछ पार्ट है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, कुछ पार्ट वाटर में डिजोल्व हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा पार्ट, कितना पार्ट वाटर में डिजोल्व होता है। देखिए जब आलू काटते हैं, आलू सबने काटा है, नहीं काटा तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि आपने आलू काटा है और आलू को किसी भी बर्तन में डालिए और फिर आप उसे धोइए, ठीक है, धो के आलू उसमें से निकाल लीजिए और उस पानी को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अब उस पानी में क्या होता है कि वो पानी है उसका कलर है वो अपना जो ओरिजिनल वॉटर होता है उससे तो डिफरेंट मिलेगा आपको, पानी का और जो वो आलू धोया हुआ पानी है उन दोनों के कलर में डिफरेंस मिलेगा, पहली चीज तो ये। और जब आप उस पानी को धीरे धीरे हटाओगे उस बर्तन में से नीचे डालोगे तो देखना कि आपको पैंदे में कुछ ऐसे सॉलिड व्हाइटिश मटेरियल है वो आपको जमा हुआ मिलेगा। वो जो व्हाइटिश मटेरियल होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। या फिर आलू काट के हाथ मत दो थोड़ी देर, क्या होगा कि हाथों पे थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट जो मटेरियल है वो जम जाता है, वही क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। और जो वाटर का कलर चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, अल्फा एमाइलोज की वजह से, यानी कि बहुत थोड़ा सा पार्ट है वो तो वाटर में डिजोल्व हो गया और जो नहीं हुआ वो कौन सा बच गया, बीटा एमाइलोज बच गया,
बीटा माइलोज इज वाटर इनसॉल्युबल, तो बीटा माइलोज है वो तो पैंदे में जम जाता है और जो अल्फा माइलोज है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। तो जी समझ आई, यहाँ पे आलू का एग्जांपल है, वो यहाँ से बेस्ट केस होता है। आप यहाँ से अल्फा माइलोज और बीटा माइलोज दोनों को समझ सकते हैं कि कितना पार्ट तो वाटर में डिजॉल्व हो रहा है और कितना पार्ट है वो इनसॉल्युबल है। तो बीटा माइलोज है जो पैंदे में बच जाता है वो तो अपना क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल बीटा माइलोज होता है, और जो वाटर में डिजॉल्व हो गया वो अपना कौन सा होता है, अल्फा अमाइलोज होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है वो आता है 60,000 अल्फा ग्लाइकोज यूनिट्स विच हैव 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट इन लीनियर मैनर। यदि हम बात करें अल्फा अमाइलोज की तो यहाँ पे 60,000 से 60,000 तक अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स जो कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं एक लीनियर मैनर में, एक अनब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लीनियर आपको जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड की वो मिलेगी, यानी कि सभी एक लाइन में प्रेजेंट होंगी, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्फा अमाइलोज ये कितना होता है, 10,000 से 10,00,000 डाल्टन तक होता है, 10,000 से 10,00,000 डाल्टन। देखो कितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, समझ पा रहे हो? तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, देखिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हावर्थ स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें किसकी देखनी है, अल्फा माइलोज की देखनी है। अल्फा माइलोज की हावर्थ स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा है कि अल्फा माइलोज में अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से प्रेजेंट होती हैं। अल्फा ग्लूकोज होता है ये चीज़ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप सारी की सारी अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स हैं एक लाइन में बना लीजिए। ठीक है, एक लाइन में अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स बनानी है। उसके बाद यहां से देखिए 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो प्रेजेंट बताया है, तो ये अपना हो गया एक अल्फा ग्लूकोज यूनिट। अल्फा ग्लूकोज यूनिट में कार्बन की नंबरिंग करें, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, सेम ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब 1 और 4 के बीच में यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। तो देखिए अल्फा ग्लूकोज लिया तो कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल डाउनसाइड होगा, कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्लूकोज में होता ही डाउनसाइड है, तो दोनों यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और फॉर्मेशन होगी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की। ठीक है, जिसे हम अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं। सिमिलर मैनर में यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स हैं वो जुड़ती जाएंगी और यहाँ पे हम लिख सकते हैं N-2, यानी कि इतनी जो यूनिट्स हैं ये N-2 यूनिट्स यदि हम यहाँ पे जोड़ दें तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, अल्फा अमाइलोज की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इन्हीं यूनिट्स को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो यहाँ से अल्फा अमाइलोज की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हो गई अपनी अल्फा अमाइलोज की स्ट्रक्चर। अब इसके बाद N यूनिट्स हमने क्या लिखा है, C6H10O5 लिखा है ना, C6H10O5 N यूनिट्स हैं वो हमें रिपीट करनी है। यहाँ पे N यूनिट्स को हम रिपीट करेंगे तो यहाँ से अल्फा अमाइलोज की फॉर्मेशन होती है। इधर भी अपनी जो रिएक्शन है वो चल रही है, चैन है वो चल रही है, इधर भी अपनी चैन है वो चल रही है। देखिए यहाँ से हमने अभी भी चैन को ओपन छोड़ा हुआ है, क्लोज नहीं करके छोड़ा, हाइड्रोक्सिल नहीं लिखा हुआ ना, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, यानी कि अभी ये चैन है ये आगे की तरफ और मूव कर सकती है। आप 3 यूनिट्स जोड़िए, आप 4 यूनिट्स जोड़िए, कुछ भी जोड़िए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल मत लिख के छोड़ना, क्योंकि हाइड्रोक्सिल लिख दोगे दैट मीन्स यहाँ पे रिएक्शन है वो स्टॉप हो चुकी है, और जैसा कि नहीं होता क्योंकि यहाँ पे तो देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स है वो जुड़ा हुआ है। एक तरीके से देखें तो 60,000 इनफाइनाइट ही हो जाएगा अपने लिए, तो क्योंकि बोर्ड पे तो हम उसे शो नहीं कर सकते ना। तो ये क्या होता है, हम इसीलिए इसे यहाँ पे ऐसे बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया अल्फा अमाइलोज, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं बीटा अमाइलोज को एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया, इसके बाद देखिए दूसरा जो हमें देखना है, सेकंड कंपोनेंट वो हमें देखना है बीटा अमाइलोज। अल्फा अमाइलोज हमने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद सेकंड है वो हम करेंगे बीटा अमाइलोज। तो बीटा अमाइलोज की यदि हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल 80-85% पार्ट है ये फॉर्म करता है स्टार्च का। सेकंड चीज यहां से, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया यहां से। थर्ड पॉइंट, ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर।
हावर्थ स्ट्रक्चर में जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा लीनियर फॉर्म में अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे क्या होता है ब्रांच्ड फॉर्म में जो अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रांचेशन इज प्रेजेंट इन बिटवीन एंड ब्रांचेशन इज अकर बाय 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड चीज क्लियर हो रही है। यहां पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो तो प्रेजेंट रहना ही रहना है, लेकिन साथ में ब्रांचेशन भी हो जाएगा, और ब्रांचेशन है वो किससे होता है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से होता है। किस तरह से होता है वो चीज हम देख लेते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर में, हमें पता चलेगा कि किस टाइप से यहाँ पे ब्रांचेशन होता है, तो वो चीज हमें देखनी है, ब्रांचेशन देखना है। बाकी लीनियर स्ट्रक्चर है वो तो हमने देख ली है, अल्फा एमाइलोज की होती है, तो यहाँ पे हमें ब्रांचेशन देखना होता है। ब्रांचेशन की यदि हम बात करें तो देखिए ये अपना कौन सा होता है, कार्बन नंबर 6 होता है, 5, 4, 3, 2, 1 ये अपना कार्बन नंबर 6 होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, एक और यूनिट बनानी है ग्लूकोज की, ठीक है, एक ही हमने ग्लूकोज की यूनिट फॉर्म कर ली। एक और बना लेते हैं, दो यूनिट्स हैं वो सफिशियंट रहेंगी टू अंडरस्टैंड द ब्रांचेशन, ठीक है। यहां से देखिए हमने दो ग्लूकोज की यूनिट्स की फॉर्मेशन की है, ये अपना हो गया कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, अगेन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल, सिमिलर ही यहाँ पे हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन। ये हो गई अपनी दो यूनिट्स, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हमने दो लेयर्स हैं वो फॉर्म कर ली। अब हमें क्या करना है, ब्रांचेशन करना है। ब्रांचेशन में मैंने क्या बोला कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में ब्रांचेशन है वो प्रेजेंट होता है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें करना है ब्रांचेशन। तो ब्रांचेशन है वो हम किस तरह से करेंगे, कार्बन नंबर 1 ये रहा, कार्बन नंबर 6 ये रहा, 1 और 6 के बीच में ब्रांचेशन करना है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, तो देखिए यहाँ से होता क्या है, H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा, H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है, H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने के बाद देखिए यहां से कुछ इस तरह का जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाता है, ये वाला ऑक्सीजन है दोनों कार्बन्स के बीच में इंसर्ट कर जाएगा, चीज समझ आ रही है, कुछ ऐसा ही होना है। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये हमारा कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के बीच में इंसर्ट कर जाता है, ठीक है। तो यही अपना क्या होता है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये क्या होता है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए एक चैन ये प्रेजेंट हो गई अपनी, एक चैन ये प्रेजेंट हो गई, दोनों चैन्स हैं वो ऊपर नीचे प्रेजेंट होती हैं। तीसरा क्या होगा कि कोई एक और यूनिट आएगी यहाँ पे, वो भी आके यहां से ब्रांचेशन कर लेगी, 1,6 बॉन्ड की फिर से फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पे यदि हम बात करें बीटा अमाइलोज की या फिर अमाइलोपेक्टिन की, तो दो टाइप के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक तो यहाँ पे 1,6 होता है जिससे कि ब्रांचेशन होता है, और लीनियर है वो कौन सा होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। ये अपना कौन होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहां पे दो टाइप के बॉन्ड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये हो गया अपना बीटा अमाइलोज की स्ट्रक्चर, तो यहां पे ब्रांचेशन है वो प्रेजेंट होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये हो गया बीटा अमाइलोज, स्टार्च है वो अपना इतने में ही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपना सेलुलोज, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वो बनी हुई है तो हम इन्हीं में कर लेंगे। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए बीटा अमाइलोज का, हो गया। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमें रखना है सेल्यूलोज, नेक्स्ट एग्जांपल रखना है सेल्यूलोज,
सेल्यूलोज के लिए सोर्स क्या होता है, सबसे पहली चीज तो वो। तो सोर्स की यदि हम बात करें तो सेल्यूलोज के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स होता है सेल्यूलोज आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि कहाँ से मिलेगा, पेड़ के तने की छाल से मिलेगा, वहां पे सेल्यूलोज है वो बहुत ज्यादा है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी यहाँ पे मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, इज इट वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, सारी चीजें हैं वो हम पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है वो तो क्या होता है, यहाँ पे सेल्यूलोज प्रेजेंट कहाँ पे होगा, इन द स्टेम ऑफ ट्रीज। ठीक है, सेकंड पॉइंट है वो यहाँ से क्या आता है, मोनोमर यूनिट है वो इसकी क्या होगी, या फिर मोनोसैकेराइड यूनिट है इसकी वो क्या होती है, तो यहाँ से बीटा ग्लूकोज यूनिट्स हैं। ठीक है, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स आर प्रेजेंट एज मोनोसैकेराइड यूनिट्स, आर प्रेजेंट एज मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो जो बीटा ग्लूकोज यूनिट है, देखिए हमने क्या देखा, स्टार्च में क्या थी, सारी की सारी अल्फा ग्लूकोज यूनिट थी, लेकिन अपना जो सेल्यूलोज होता है इसमें कौन प्रेजेंट होता है, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। और बीटा ग्लूकोज यूनिट्स हैं ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, and there is no branchation present in cellulose। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रांचेशन नहीं होता, ब्रांचेशन है वो सिर्फ किस में होता है, बीटा एमाइलोज या फिर एमाइलोपेक्टिन में होता है, यहाँ पे कोई किसी टाइप का ब्रांचेशन है वो नहीं होता, सारी की सारी यूनिट्स हैं वो लीनियर मैनर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये आता है, सेल्यूलोज गिव्स, सेल्यूलोज का जब हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो ये यहां से देता है सेलाबायोज यूनिट, सेलाबायोज यूनिट, सेलाबायोज यूनिट्स की फॉर्मेशन करना है और इसी सेलाबायोज की स्ट्रक्चर है उसका हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चीज समझ आ गई, हमें क्या करना है और कहाँ से कितना कैसे क्या करना है। तो ये हो गए सेलुलोज के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि यहाँ पे हमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है और बीटा ग्लूकोज हमें इसे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, बीटा ग्लूकोज रखेंगे, ये अपना क्या है, दो यूनिट्स हो गई, एक और यूनिट रख लेते हैं यहीं पे, अगेन यहां पे क्या रखेंगे, हाइड्रोक्सिल रखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल एंड देयर इज HCH2OH। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पे तीन यूनिट्स ली हैं और तीनों अपनी बीटा ग्लूकोज की यूनिट्स हैं, सॉरी तीनों अपनी यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं, बीटा ग्लूकोज की यूनिट है। बीटा ग्लूकोज है कैसे फाइंड आउट करोगे, चलते हैं कार्बन नंबर वन पे, इज इट कार्बन नंबर वन, यस और नो, कार्बन नंबर वन ही तो है ये अपना। कार्बन नंबर वन पे हमें क्या देखना है, हाइड्रोक्सिल का कॉन्फिग्रेशन देखना है, हाइड्रोक्सिल डाउन पे प्रेजेंट होता है दैट मीन्स अल्फा ग्लूकोज होता है, यदि अप पे प्रेजेंट है दैट मीन्स कौन सा है, बीटा ग्लूकोज है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा ग्लूकोज है। तो अब हमें क्या करना है इसका, देखिए करेंगे क्या, सबसे पहली चीज हमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, यहां से निकाल दीजिए H2O। ठीक है, यहां से भी क्या करना है, H2O निकाल देना है, समझ आ रही है करना क्या है, बेसिकली चीज क्लियर हो गई। तो यहां से देखिए जब H2O निकालेंगे हम तो किस तरह के बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो चीज हमें देखनी है। यहां से देखिए ये वाला ऑक्सीजन है ये कहां पे आएगा, बीच में आएगा और यहां से कुछ इस तरह के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये कार्बन नंबर वन है, ये कार्बन नंबर फोर है, कार्बन नंबर फोर पे हाइड्रोक्सिल वो कहां पे होता है, डाउन साइड होता है, चीज समझ आ रही है, कार्बन नंबर फोर पे हाइड्रोक्सिल वो कहां होता है, डाउन साइड होता है। अगेन हमें यहां से भी क्या करना है, एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल देना है और बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देनी है, तो यहां पे भी कुछ इसी तरह की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां से भी हम इसे क्या करेंगे, बॉन्ड बना के नहीं छोड़ सकते, बॉन्ड को हमें फ्री छोड़ना पड़ेगा यहां पे, और इधर है ये भी हम बॉन्ड बना के नहीं छोड़ सकते, बॉन्ड को हमें फ्री छोड़ना पड़ेगा। और यदि हम इस यूनिट का रिपीटेशन कर देते हैं एन टाइम्स, ठीक है, इस यूनिट का रिपीटेशन हम कर देते हैं एन टाइम्स, तो ये क्या होता है, अपना सेला बायोस यूनिट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेला बायोस यूनिट।
एंड इन द सेला बायोज नो ब्रांचेशन इज प्रेजेंट हेयर. ठीक है, तो यहाँ पे कोई ब्रांचेशन है वो प्रेजेंट नहीं होता, हम इन नीचे वालों को मिटा सकते हैं, ये इसमें किसी काम के नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से हमने सेलुलोज और स्टार्च दोनों को कवर कर लिया है. ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, और वो ये है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है. एंड बीएससी फाइनल ईयर जो क्लास है हमारे इस चैनल पे वो ऐसी है जिसमें अभी तक दो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हुई हैं, बाकी कहीं पे दो यूनिट्स हैं वो नहीं हुई हैं. इवन एमएससी प्रीवियस का तो हमने सिलेबस है वो स्टार्ट भी नहीं किया है. ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ा सा एक चीज मेरे को और कहनी थी, यदि आप लोगों को समझ आ रहा है, यदि आप मेरे से इंटरेक्ट थोड़ा कोरिलेट कर पा रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए से, यदि आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मेरा मोटिवेशन वही होता है. ठीक है, मेरा वीडियोस बनाने का पर्पस यही होता है कि बच्चों को समझ आए, ज्यादा से ज्यादा समझ आए. तो मेरे को कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है चैनल से वो नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स या फिर बहुत ज्यादा लाइक्स हम वो वीडियोज पे नहीं आ रहे, तो देखिए इससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन है वो डाउन होता है. हाँ, इसे ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोज बनाना छोड़ दूंगी, यदि कोई एक बच्चा भी देखेगा ना तो भी मैं वीडियोज बनाऊंगी. यदि सिंगल स्टूडेंट भी देख रहा है चैनल को तो मैं वीडियोस बनाऊंगी, चाहे कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं वीडियोस बनाना है वो तो बंद नहीं करूंगी जब तक मैं ठीक हूँ. ठीक है, तो ओके, सबसे पहली चीज तो ये हुई. तो यदि आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, आप मेरे पढ़ाए हुए से कोरिलेट कर पा रहे हो, खुद को इंटरेक्ट कर पा रहे हो मेरे से, तो बहुत अच्छी बात है. तो ये चीजें मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप पहले डिस्कस कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है वो ज्यादा जरूरी होता है. उसके लिए मैंने आपको मेरा कॉन्टैक्ट है वो दे दिया है, आप मेरी ईमेल आईडी से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो अभी तो वो एक ही प्लेटफॉर्म है जहां से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, बाकी हम देखते हैं फ्यूचर में जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. और यदि कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके बाद कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है, क्योंकि सिलेबस है वो मैंने आपको दे दिया था, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि कौन सी यूनिट मैं यहां से स्टार्ट करूं, कि आप मुझे प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर स्टार्ट करूंगी. जब तक आप लोग नहीं बताओगे मैं थर्ड यूनिट स्टार्ट नहीं करने वाली हूं, क्योंकि तब तक मैं बाकी क्लासेस के वीडियोज को अपलोड करूंगी. ठीक है, तो बता देना जो भी पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग थर्ड यूनिट है वो स्टार्ट कर दूंगी. और आई थिंक मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता था मैंने सिंपल बनाया है कार्बोहाइड्रेट्स को भी और हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी. और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही देखिए शॉर्ट एंड स्वीट सी यूनिट है, काफी अच्छी यूनिट है, तो मन लगा के पढ़िए. और इसमें से तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी यदि समझ नहीं आया है तो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में बोलिए. और प्लीज वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया करो. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते हो नहीं करते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियोस को लाइक और शेयर किया करो, ताकि जिन बच्चों को रियली इसकी नीड है वहां तक ये चीज पहुंचे. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते हो यदि तुम्हें अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, ऐसे नहीं है कि चलते चलते ठीक है चलो आ गया सामने कर देते हैं सब्सक्राइब, निधि मैडम का चैनल है, नहीं. यदि तुम्हें यहां से लगता है कि तुम्हें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, तुम्हारा कुछ यहां से बेनिफिट हो सकता है, तो इसे सब्सक्राइब करो, लेकिन प्लीज शेयर जरूर करो, ताकि ये उन बच्चों तक पहुंचे जिनको इसकी रियली नीड है. ठीक है, तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और बाकी यदि आप सजेस्ट कर ही दोगे कि कौन सी यूनिट है वो स्टार्ट करनी है, तो मेरे को इस चीज का हेडेक लेने की कोई नीड नहीं है. आप जैसा सजेस्ट करोगे मैं उसी के अकॉर्डिंग जो यूनिट है वो स्टार्ट कर दूंगी. सो बस इतना ही. सो ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग.